नमस्कार दोस्तों, हम इस टाइम खड़े हैं हिमाचल प्रदेश के चहल, जो एक हिल स्टेशन है, उसके नज़दीक 5 किलोमीटर पहले ये जगह है बाबा मोड़। चहल से 5 किलोमीटर पहले वहाँ पे ये हकीम बैठते हैं, इनका नाम है वैद्य रामकिशन जी। आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ जो इलाज है वो मुफ्त किया जाता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के बेनती करूँगा, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, ताकि गरीब अमीर जो भी लोग हैं जिनको कैंसर से पीड़ित हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, वो यहाँ आके अपना इलाज करवा सके। दुनिया भर की ताज़ा अपडेट्स के लिए News89 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हम इस टाइम खड़े हैं हिमाचल प्रदेश के चहल, जो एक हिल स्टेशन है, उसके नज़दीक 5 किलोमीटर पहले ये जगह है बाबा मोड़। हम यहाँ क्यों आए हैं आपको बता दें, यहाँ पे एक हकीम है जो कैंसर की दवाई देते हैं। जो मरीजों ने अपने इलाज करवाए हैं और वो ठीक नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ पे बड़ी मानता है, यहाँ जो भी आया कैंसर की दवाई ली है जिसने, उसका कैंसर ठीक हो गया। चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो लीवर कैंसर हो, चाहे वो किसी भी जगह पर माउथ कैंसर हो, गले का कैंसर हो, कहीं पे भी कैंसर हो, यहाँ पे आने वाले लोग यहाँ से ठीक होके जाते हैं। हम सुबह यहाँ पे 3 बजे पहुँच गए थे, 4 बजे हमने यहाँ लोगों से बात की, लोगों ने हमें, हज़ारों लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर हम काफ़ी समय से कैंसर का जो है इलाज हमारा चल रहा है, देसी दवाई देते हैं यहाँ पे हकीम, और कैंसर का इलाज ठीक भी हुआ है। हम भी यहाँ एक मरीज़ लेके आए हैं जिसको कैंसर है और उनको कैंसर की दवाई दिलवाने आए पहली बार। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये लंबी लंबी जो कतारें लगी हुई हैं, ये बहुत दूर दूर से जो दुनिया यहाँ पर कैंसर का इलाज करवाने के लिए आई है। यहाँ पर टोकन मिलता है, शुक्रवार को, शनिवार को टोकन दिया जाता है, और इतवार को जो है यहाँ पे हकीम जी हैं जो वो दवाई देते हैं, और धूप के समय दवाई जो है जहाँ पर ये कैंसर होता है वहाँ पे दवाई लगाई जाती है। शुक्रवार को ये प्रक्रिया जो है हकीम जी द्वारा शुरू कर दी जाती है, और शुक्रवार को नंबर लगते हैं, शनिवार को 1 बजे से लेके जब तक धूप है, क्योंकि ये जो दवाई का असर है वो धूप में होता है, धूप में दवाई लगाई जाती है, और उसके बाद हकीम जी देसी दवाई देते हैं, 20 दिनों की दवाई देते हैं, उसके बाद मरीज जो है 20 दिन के बाद दोबारा से दिखाता है। जिनको काफ़ी बड़ी मात्रा में कैंसर है, जिन्होंने 2 बारी 3 बारी दवाई 20-20 दिन के गैप में खा चुके हैं, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने हमें बताया कि हमें बड़ा फ़र्क है। डॉक्टर जब रिपोर्ट देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि जो कैंसर था वो कहाँ गायब हो गया। ये हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं, इसलिए हमने ये वीडियो अपने चैनल पे लगाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, क्योंकि आजकल डॉक्टर लोग जो है, आपको पता ही है कैंसर का जो ये कैंसर की जो ये बीमारी है वो कितनी
लाइलाज बीमारी है और इसका इलाज भी जो है बहुत महंगा है, जो हर एक इंसान नहीं करवा सकता। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो दवाई दी जाती है ये ऑपरेशन से पहले दी जाती है। अगर किसी ने कैंसर के लिए किसी भी हॉस्पिटल में ऑपरेट करा लिया या कहीं चीरा डलवा लिया या कहीं ऑपरेशन करवा लिया तो वो हकीम जी उन्हें दवाई नहीं देते हैं। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता दूँ, शुक्रवार को जो है यहाँ पे नंबर लगाया जाता है, शनिवार को 1 से लेकर 60 नंबर तक जो है, शनिवार को 1 बजे से लेके जब तक धूप है तब देखा जाता है, और बाकी जो लोग नंबर लगवाते रहते हैं आके इतवार को आते हैं, रात को आते हैं। और मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बता दूँ कि यहाँ पर जो है बसों की आने जाने की सुविधा है, मोहाली से चंडीगढ़ से जो है सोलन के लिए जो है बस मिलती है, आप सोलन से जो है बस में चंडीगढ़ से सोलन, सोलन से कंडाघाट, कंडाघाट से जो है लोकल बसें यहाँ के लिए चलती हैं। यहाँ पे बाबा मोड़ है चैल से 5 किलोमीटर पहले, वहाँ पे ये हकीम बैठते हैं, वैद्यराम, इनका नाम है वैद्य राम किशन जी, उनको दाद मिली हुई है और बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। मैं आपसे ये उम्मीद लगाऊंगा कि इस वीडियो से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कैंसर से पीड़ित लोगों का मुफ्त इलाज हो सके। ये किसी चीज़ के पैसे नहीं लेते हैं, या यह इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। आपको एक और बात बता दूँ कि यहाँ जो इलाज है वो मुफ्त किया जाता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के बेनती करूँगा इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें ताकि गरीब अमीर जो भी लोग हैं जिनको कैंसर से पीड़ित हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, वो यहाँ आके अपना इलाज करवा सकें। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ तुहाडा अपना बिनू ढिल्लों ते तुसी देख रहे हो न्यूज़ 89। जे तुसी इस चैनल नू मानदे हो तां इस चैनल नू सबसक्राइब भी करो। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो न्यूज़ 89। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरगुण मेहता ते तुसी देख रहे हो न्यूज़ 89 चैनल। दुनिया भर की ताज़ा अपडेट्स के लिए न्यूज़ 89 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर। धन्यवाद।